हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का सिविक्स का थर्ड चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति के बारे में। इसमें हमने पढ़ा व्हाई इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्शंस में वोटर्स के पास में क्या क्या राइट होते हैं, एंड व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की जो ज़रूरत है वो हमें क्यों होती है, ये भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार क्या है, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक जो है वो माने जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी ना किसी तरह के चुनाव होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। सो चुनाव लोग हम ही कहें कि सो चुनाव जो है लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं, यानी किस बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं या कोई और उनका इलेक्शंस है या कोई और फॉर्म उसमें यूज़ की गई है। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर पहली, या हम कहें कि हल्की जो चर्चा है वो हम इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं इन अवर चैप्टर 1। वी डिस्कस मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। लेट्स रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट a simple list of minimum conditions of a democratic elections। आइए वहाँ सीखे हुए सबक को या वहाँ पे जो लेसन हमने सीखा उसे याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत हम यहाँ से करें। तो फर्स्ट हम करें एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि हम कहें कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी के पास में वोट करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार करने का अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी सबका जो वोट है उसे इक्वली इवैल्यूएट किया जाए। दूसरा अगर हम बात करें, सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स, कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, यानी उनके पास में चॉइसेस हों। अगर एक ही व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा तो पब्लिक जो है उसके पास में कोई चॉइसेस ही नहीं होगी उसे वोट करने के अलावा, तो यानी वहाँ पे उनके पास में क्या होने चाहिए, चॉइसेस होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, यानी कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इस चीज़ की जो है उम्मीदवारों को फ्रीडम होनी चाहिए, और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें, यानी जब कैंडिडेट्स फ्री होंगे खड़े होने के लिए इलेक्शंस में तो जो जनता है या जो वोटर्स हैं उनके पास में ये चॉइसेस आती है कि वास्तव में उन्हें किसे चूज़ करना है। अगर इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से लें, जैसे मार्केट में सपोज़ कीजिए बहुत चीज़ों के ऊपर ऑफर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आप बेस्ट जो होता है, जो क्वालिटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है, आप उसे ही चूज़ करते हो। द सेम थिंग अगर इसी तरह से कैंडिडेट्स बहुत सारे होंगे तो वहाँ पे जो वोटर्स हैं उनके पास में चॉइसेस होती हैं एंड दे चूज़ द बेस्ट वन ऑफ दैम, उनमें से जो बेहतर है उसे वो वोटर्स जो हैं वो चूज़ करेंगे। थर्ड अगर हम पढ़ें, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स
इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। कि तीसरा हम कहें कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी इलेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली और रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो कैंडिडेट्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जिनको हमने चूज़ किया है, तो उनके दिमाग में ये एक भय होगा, एक फियर होगा कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर वो पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में पब्लिक उन्हें इलेक्ट नहीं करेगी, पब्लिक उन्हें चूज़ नहीं करेगी। तो फोर्थ पॉइंट को अगर हम आगे डिस्कस करें, अभी तक हमने थर्ड पॉइंट तक डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ अगर हम करें, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, कि लोग जिसे चाहें, वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं, अब जब हम वोट कर रहे हैं तो हम ये हम सभी को ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपको वोट करेंगे, हम आपको वोट करेंगे, लेकिन हमारे पास वोट तो एक ही है, तो हम जिसको हम बेस्ट मानते हैं सभी कैंडिडेट्स में, उसको हम क्या करेंगे, उसी को प्रिफर करेंगे, उसी को हम चूज़ करेंगे, और इलेक्शन के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ अगर हम बात करें, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश, कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से सही व्यक्ति का क्या कर सकें, चुनाव कर सकें, यानी जिस व्यक्ति को वो वास्तव में चाहते हैं उस व्यक्ति को वो क्या कर सकें, रियली चूज़ कर सकें, यानी उसको वो जिसको विश करते हैं, जिसको वो चाहते हैं, उसे वो चूज़ कर सकें। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन, ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल, लेकिन अनेक ऐसे देश हैं जहाँ ये चुनावों में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। तो अब इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या राजनैतिक प्रतिद्वंद्वता अच्छी चीज़ है, क्या पॉलिटिकल जो कंपटीशन है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता जो है, क्या वो सही है, क्या वो अच्छी है, क्या हम इस पर डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक में। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्वता है, क्योंकि ओवरऑल ये कंपटीशन है, अलग अलग पार्टीज खड़े आते हैं, लोग आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में वो लोगों को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ढेर सारे प्रोमिसेस वो जनता के सामने करते हैं। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म, यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एट द कंस्टिट्यूएंसी लेवल, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स, इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। तो हम कह सकते हैं कि सबसे स्पष्ट रूप है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्वता, एक कंपटीशन होना, निर्वाचन क्षेत्र जो है, कंस्टिट्यूएंसी जो है में, इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच कंपटीशन को या प्रतिद्वंद्वता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्वता, अगर कंपटीशन नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे, यानी पॉइंटलेस हो जाएंगे, उनमें कोई मतलब, क्योंकि जहाँ पे चॉइसेस ही नहीं होंगी तो फिर वो क्या है कि हम रेस में दौड़े और कितने कैंडिडेट्स थे, मैं अकेला था, सो वी विल गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में या जो लीडर्स हैं उनके बीच में होना बहुत ज़रूरी है। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता का होना अच्छी चीज़ है? क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स,
की चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखते हैं. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलाइजेशन इन एवरी लोकेलिटी. इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है. मतलब लोग जो है डिवाइड हो जाते हैं. मतलब सपोज़ कीजिए एक घर में चार फैमिली मेम्बर्स हैं और जो उनके मुखिया हैं घर के जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि आपको उस पार्टी को वोट करना है, उस व्यक्ति को वोट करना है. तो जो बच्चे होंगे या जो उस फैमिली मेम्बर्स होंगे वो क्या चाहेंगे कि हम अपनी मर्जी से क्या करें, अपने लीडर्स का सिलेक्शन करें. देन यू वुड हैव हियर ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी. आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स में के फैले की शिकायत करते हैं. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं. पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं. पार्टीज फिर हम कहें कि सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ टू सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड. सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना. कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता. समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है. तो कोई जो लीडर्स होते हैं या जो चाहते हैं कि वास्तव में वो देश की सेवा करें तो वो इस तरह के क्षेत्र में नहीं आना पसंद करते. दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन. उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता. अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं से समस्याओं के प्रति सचेत थे, वो जानते थे इस बारे में. येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर्स. फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन ही किया. दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन. इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो वॉट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है. एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं का हम कहें वो मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, या ये भी हम कहें कि सभी नेता जो हैं लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं. यानी सभी चाहते हैं कि वो लोगों की क्या करें, सेवा करें. पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड. पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है जैसा कि हमें दिखाया जाता है, हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है. पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड बट दैट इज़ नॉट वॉट हैपन्स इन द रियल लाइफ. पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर्स. दे वॉन्ट टू रिमेन इन द पावर और टू गेट पावर एंड पोजिशन फॉर देमसेल्व्स. दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी. दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है. वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं. संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम होगा. या हम ये कहें कि यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है. या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनको जो है उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल नहीं खाता हो. बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल्स, यानी वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, दे मे नॉट नो, लेकिन वो जानते नहीं हैं व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, कि क्या करना चाहिए, और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच
वॉट द पीपल रियली वॉन्ट, और उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनके विचार हैं, वो लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से क्या नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते हैं. हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? ऑन वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो. एक तरीका तो राजनेताओं को ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है. दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले. देन दिस सिंपल क्वेश्चन, दिस सिंपल आंसर इज द पीपल. दिस इज वॉट इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन डज. रेगुलर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिवस टू पोलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. दे नो दैट इफ they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. And कि अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं और लोगों को जो इश्यूज़ पसंद नहीं हैं उन इश्यूज़ को अगर वो रेज अप करते हैं तो वो लोगों में पॉपुलर हो जाएंगे और उस पॉपुलरिटी की वजह से नेक्स्ट जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें उनके जीतने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. बट इफ़ दे फेल, लेकिन अगर वो इस चीज़ में सफल नहीं होते हैं टू सेटिस्फाई द वोटर्स, कि वो अपने वोटर्स को संतुष्ट कर सकें विद देयर वर्क, अपने काम से, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अगले चुनाव में वो नहीं जीतेंगे. सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड, तो इस तरह से अगर एक राजनीतिक दल को हम मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, कि वो सिर्फ सत्ता पर बनी रहे, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व. बल्कि हमें इसलिए फोर्स करना चाहिए उनको कि वो जनता को सेवा करें. दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्कर्स, ये ऐसा काम होगा जो कि मार्केट वर्कर्स करते हैं. इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर हम एक उदाहरण देखें कि अगर एक दुकानदार है वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट कमाने में या कहें कि अपना प्रॉफिट कमाने में ही सिर्फ इंटरेस्ट रखता है, ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, तो वो अपने कस्टमर्स को क्या करेगा, फोर्स करेगा गुड सर्विसेज के लिए. इफ ही डज नॉट द कस्टमर विल गो टू द अदर शॉप, और वो नहीं चाहेगा कि उसका जो कस्टमर है वो दूसरी शॉप पे जाए. सिमिलरली समानता से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अग्लीनेस, तो इसी तरह की जो कंपटीशन है वो क्या होता है, पॉलिटिक्स में होता है, राजनीति में होता है. बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल, और ये चीज़ जो है वो इन लीडर्स को फोर्स करेगी कि वो जनता की क्या करें, सेवा करें. तो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.